हाँ जी क्लास, सो वेलकम यू ऑल इन सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 9। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो था एफ इज इक्वल टू जी एम वन इन टू बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, जी आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, एम वन एम टू दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है, एम फर्स्ट और सेकेंड का, और आर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और जी की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमें करना है, एक तो मैं आपको थोड़ा लॉजिकल बता देता हूँ कि एफ इज इक्वल टू जी कब होता है, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू जी कब होगा बेटा, एम वन इज इक्वल टू एम टू एंड आर इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास 1 kg है और दोनों की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उस वक्त एफ किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। यानी यही चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि उस वक्त जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी फोर्स तो लगेगा पर उसकी वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टर्म, एक याद आता है कई बार, व्हेन एफ इज इक्वल टू जी, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, जब दोनों का मास 1 kg हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी टर्म मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल से, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ उसकी, ठीक है ना। वो आपने इस चैप्टर में एक दो न्यूमेरिकल्स में आप यूज़ करोगे उसे, वो है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ फॉलो कराने में हेल्प करे, या एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप कि वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप कपड़े डालते हो, आप तो नहीं कह रहे आपकी मम्मा, ठीक है, तो जब कपड़ों को धुलने के लिए डाला जाता है, देन द क्लोथ्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड दे टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर। कपड़े कहाँ आने की कोशिश करते हैं या कहाँ आते हैं, सेंटर की तरफ आते हैं, सेंटर की तरफ आते हैं। तो इस वक्त उन कपड़ों पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, यानी एक तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं और दूसरा वो किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, सेंटर की तरफ। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स विच टेंड्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ एंड ऑलवेज अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल की तरफ उसको अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर एम क्या होगा, मास ऑफ बॉडी जो कि रिवॉल्व कर रही है, वी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, आर हो जाएगा उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में या जिस सर्कुलर पाथ में वो घूम रही है उसका रेडियस जो होगा वो आर होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है जी। अब है तो ये एक तरह का फोर्स, देखो कई बार आ जाता है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक बार पूछ लेता है किसी न्यूमेरिकल में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बताओ। तो देखो, आपने पहले ये फॉर्मूला किया था न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ क्या है आपका, फोर्स है, और है ये क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी एक तरह का फोर्स ही है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया जाए तो ये मास और ये भी क्या है, मास, ठीक है ना, तो ये साथ में क्या बच गया, एक्सेलरेशन, तो ये भी क्या बच गया आपका, एक्सेलरेशन बच गया, पर क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स था तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। मैंने पहले बोला मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ इसकी, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया, एक ऐसा फोर्स विच टेंड्स टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ एंड एवरी मोमेंट एवरी पॉइंट, जैसे ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो उसके पास कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल, और साथ साथ हर एक पॉइंट पर इसकी टेंडेंसी कहाँ है,
ये कहाँ आना चाहता है? सेंटर की तरफ। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पर जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या वैल्यू होती है? एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, एम वी स्क्वायर बाय आर। एम उसका मास, वी उसकी वेलोसिटी और आर उसकी रेडियस। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो जनरली फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये भी हमारा फोर्स है, तो इस इन दोनों इक्वेशंस को हमने तब क्लियर कर लिया। तो ये मास है, तो जो बाकी बच गया वो क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और एम वी स्क्वायर बाय आर आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ आपको, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल करा देता हूँ। ठीक है, देखो देखो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। बस इतना ही दिया है कि अर्थ और अर्थ के सरफेस पर रखे ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg है उनके बीच का फोर्स निकालो। तो मैं पहले डायग्राम से बता देता हूँ आपको। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये आपका सेंटर है, और ये क्या हो गया? अर्थ का सरफेस। तो ये डेफिनेटली क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ। बेटा बिल्कुल हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि अर्थ जो है ना वो एक स्फीयर है। एक्चुअल में अर्थ स्फीयर नहीं है, बट वी आर अज्यूमिंग दैट अर्थ इज अ स्फीयर। और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ के सरफेस के ऊपर। ठीक है ना, अब अर्थ के सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका साइज बहुत बड़ा तो होगा नहीं, अर्थ से बड़ा तो नहीं होगा, अर्थ के कंपेरिजन में तो बहुत 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 छोटा ही होगा, अर्थ के कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी, देखो आपको मैंने बोला था जो टोटल डिस्टेंस ली जाती है वो कहाँ ली जाए, कहाँ से कहाँ तक? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट 1 टू द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट 2। तो आर्क की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। और मान लेते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक बिल्डिंग का एग्जांपल ले लेता हूँ कि बिल्डिंग ले ली मैंने और उस बिल्डिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो बिल्डिंग की हाइट में मान लेता हूँ 20 मीटर, मान लेता हूँ 20 मीटर हाइट है बिल्डिंग की, तो कितनी लूंगा सेंटर कितनी हाइट हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी, 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे, सेंटर टू सेंटर मेजर करना होता है ना बेटा। तो 6400 किलोमीटर में अगर 10 मीटर ऐड भी कर दोगे तो कहीं कोई कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस लिखना है वो डिनोमिनेटर में लिखना है, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ नियरली 6400 किलोमीटर प्लस 10 मीटर क्या हो जाएगा 6400 किलोमीटर के बराबर ही होगा, लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्टेंस की बात। अब रही बात मास की, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁴ kg। ये आपको पता होना चाहिए, लर्न कर लेना इसे। मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁴ kg। ठीक है, और मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका मास हमें लेना है और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेनी है तभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो दूसरे का मास आपको दे रखा है 1 kg, पुट कर दो F इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय r ऑफ स्क्वायर। आप ये क्यों लीजिए, मैंने रेडियस ऑफ अर्थ अभी बताया था कि 6400 किलोमीटर प्लस 10 मीटर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा कुछ वैल्यू। ठीक है ना, तो ये देखो 6.67 × 10⁻¹¹ जी की वैल्यू पुट की, मास ऑफ अर्थ है 6 × 10⁻²¹¹ और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 kg, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400000। ये क्यों ले लिया मैंने, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। ठीक है, तो डेसिमल हटा दो यहाँ से, × 10⁻¹¹ × 6 था ये, −11 है और ये 24 है, तो कितना बचेगा ये? ठीक है, यस 12 बचेगा × 10⁻¹¹ 13 बचेगा बेटा। ठीक है, 13 डिवाइड बाय 64 × 10⁻¹¹ 10। ठीक है ना,
तीन और दो पाँच, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10^10 आ जाएगा। या आप इसको ऐसा समझ लो, मैं लिख देता हूँ 64000 × 64000 ऐसा लिखना है ना, तो 64 मैंने अलग से लिख दिया, 10^5 और 10^5, 10^10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो 10^12 हो गया ये और ये 13, तो 10 बचा, क्या आंसर आ गया 667 × 6/64 × 64 × 10 मीटर। फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर लो, यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रफली अगर मैं आपकी कैलकुलेशन करूँ तो मैं मान लेता हूँ भैया, देखो रफली कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं, इसको मैं मान लेता हूँ 667 को 640 मान लेता हूँ रफली, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये हो गया आपका 600/64। ठीक है ना, तो 0 point something आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 0.9 या इस तरह से कुछ, ठीक है ना, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, जैसे सेंट्रिपिटल फोर्स का करा देता हूँ, फिर एक लॉजिक भी बता दूंगा उसमें। हाँ जी ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है हो जाएगा। देखो जैसे एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन अगर रिवॉल्व कर रहा है, कोई भी प्लेनेट अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स सही होता है। तो वो सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से आता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, या सन सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से अर्थ जो है अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है, या मून अराउंड द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो मून को रिवोल्यूशन के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से आएगा, मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ से आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया ये कि मास ऑफ अर्थ है आपका, ये गिवन है आपको 6 × 10^24 kg। ठीक है ना, और अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे दिया आपको 1.5 × 10^11 meter, ये दे दिया। ठीक है ना, आर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस दे दी। ठीक है, और आपको ये मास ऑफ सन भी दे देता है, आई थिंक है क्या मास ऑफ, चलो मैं दे देता हूँ रफली, मास ऑफ सन दे दिया आपको इसने 6 × 10^50 के दी, मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मास ऑफ सन है और आपसे पूछ रहा है कि वी निकालो, वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कैसे निकाल लोगे, देखो एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने अभी बोला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही किसमें कन्वर्ट होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है, या वही रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी क्या है आपकी आर, ये रेडियस है और ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे। देखो ना, मैं ये सन, ये हमारा सन है और ये हमारा आर्थ है, तो अर्थ इस तरह से इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो आर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस और इस सर्कल का रेडियस, इस ऑर्बिट का रेडियस दोनों सेम है। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ से मास ऑफ अर्थ कैंसिल हो गया, इस आर से एक ये पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बचा हमारे पास, v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम एस बाय आर, तो g हमें पता है, मास ऑफ सन दे रखा है, r दे रखा है, कैलकुलेट कर लो इसको, सॉल्व कर लो, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस तरह से करके देख लेना इस तरह के न्यूमेरिकल्स को। एक और पैटर्न है इसमें, एक और पैटर्न में क्या होता है, चलिए देखिए एक और पैटर्न में क्या होगा, डिस्टेंस हमने डबल कर दी या मास डबल कर दिया या डिस्टेंस हाफ कर दी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। तो जैसे फॉर्मूला है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो अगर तो मास डबल हो गया, दोनों का मास डबल हो गया या एक का मास डबल हो गया, क्या ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो दोनों का मास डबल हो गया या वन ऑफ देम,
वन ऑफ देम, दोनों का मास डबल हो गया तो जो नया मास बनेगा वो टू टाइम्स इसकी होगा और इसकी भी टू टाइम्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स आपका फोर टाइम्स हो जाएगा पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि अब जो मास बनेगा वो कितना बनेगा भाई, एफ इज इक्वल टू जी टू एम वन टू एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये मास फोर्स कितना हो गया, फोर टाइम्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर वन ऑफ देम एक एक डबल हुआ है उन दोनों में से तो क्या हो जाएगा, देखो एफ इज इक्वल टू जी टू ऑफ एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मास डबल हो जाता है या मास डबल हमने कर दिया, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन में आर स्क्वायर। अब क्या बोलेगा कि डिस्टेंस या तो डबल हो गई या हमने हाफ कर दी, यानी डिस्टेंस या तो कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो अगर तो डिस्टेंस डबल हो गई, डबल हो गई तो ये कितना हो जाएगा, फोर आर स्क्वायर, तो फोर्स आपका फोर वन बाय फोर टाइम हो जाएगा। कैसे, देखो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय डिस्टेंस डबल हुई है ना, डिस्टेंस डबल हुई है तो ये क्या होगा, टू आर का स्क्वायर, और टू आर का स्क्वायर क्या होता है, टू आर का स्क्वायर होता है फोर आर स्क्वायर। देखो ये तो हमारे पास एफ है ऑलरेडी, उसका क्या हो गया, वन फोर्थ हो गया, अब डिस्टेंस हमने हाफ कर दी, हाफ कर दी तो क्या हो जाएगा, देखो एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर बाय फोर का, सॉरी आर बाय टू का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय फोर, और ये फोर चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, फोर जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, तो इस बार फोर्स कितना हो गया, पहले से फोर टाइम्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से कुछ केसेस, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देख लेना करके, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।